भवानी की असीम कृपा से क्षत्रिय मराठा समाज के कुल देवता मल्हार मालदंड के जन्मोत्सव पर महाकाल कॉलोनी के क्षत्रिय मराठा समाज के द्वारा भव्य पालकी समारोह तली भंडार एवं तीन वर्षों से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देवास शहर, उज्जैन, तराना, इंदौर गांव, बांसखेड़ी, खंडवा, नारिया, पीतमपुर, मानपुर एवं पुणे, पंढरपुर, महाराष्ट्र व अन्य कई स्थानों से मल्हार खंडोबा के चल समारोह में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाया। क्षत्रिय मराठा समाज के देव मल्हारी मारतंड का मुख्य मंदिर पुणे से 50 किलोमीटर दूर जेजूरीगढ़ में स्थित है। देव खंडोबा रानी लक्ष्मीबाई एवं छत्रपति शिवाजी पेशवा बाजीराव के भी कुल देवता है। देवास की महाकाल कॉलोनी में देव मल्हार मारतंड का आगमन कैसे हुआ? देवास के निवासी माँ वैष्णो देवी भक्त दीपक पाटनकर, जो कि हर वर्ष माँ वैष्णो देवी की साइकिल यात्रा पर जाते हैं, 2016 में वे चार धाम पर 12 ज्योतिर्लिंग के साथ संपूर्ण भारतवर्ष साइकिल यात्रा की पूर्ण करने के बाद 2017 में दीपक पाटनकर अपने छोटे भाई अंकित के साथ काम करने महाराष्ट्र गए थे। कई कई दिनों तक वही काम करते हैं। एक दिन में धूलिया में एक को होटल में रात रुके और अपने कुलदेव का मंदिर का सुना तो अगले दिन सुबह वहां दर्शन के लिए गए। दोनों भाई वहां खड़े रहे। आरती के समय भक्त दीपक पाटनकर के मन में मूर्ति देखकर भाव उत्पन्न हुआ कि ऐसी एक मूर्ति इधर से खरीद कर ले जाऊंगा। आरती के बाद वहां के लोगों से पूछा तो उन्होंने पंडित जी के पास भेजा। पंडित जी ने पूछा तुम क्या खरीदना चाहते हो? तो बताया मुझे सेवा करना है। तो पंडित जी ने प्रार्थना की, तभी बाबा की इच्छा हुई और पंडित जी ने मूर्ति उठाकर भक्त दीपक को दे दिए और कहा कि शायद यह मूर्ति तुम्हारी ही इंतजार कर रही थी। मूर्ति को हाथ में लेकर प्रार्थना कर दोनों भाई वहां से चले गए। ऐसा हुआ खंडोबा का एक गरीब की कुटिया में आगमन। महाकाल कॉलोनी देवास मध्य प्रदेश में उनके आने के बाद समस्त मराठा परिवार बाबा की सेवा में संलग्न है। भैया आज का जो भंडारा का कार्यक्रम कर रखा है किस आधार पर? मराठा समाज के सभी के कुल देवता है, आज उनका जन्म उत्सव चंपा चष्टी पर्व है। आज उनका जन्म उत्सव हर साल मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता। कितने सालों से मनाया जा रहा है? ये तो सदियों चलता, लेकिन महाकाल कॉलोनी के अंदर ये इनका तीसरा वर्ष है। अच्छा। वो भी इसलिए जब हम बाबा के दर्शनों के लिए मंदिर में दर्शन के लिए गया था महाराष्ट्र में, मूर्ति की स्थापना, तो वहाँ पर मुझे मंदिर के अंदर से प्रेरणा हुई कि इसमें की मूर्ति में बाबा की यहाँ से खरीद के लेके जाऊँगा। तो मैंने अपने मन के भाव वहाँ के पंडित जी को बताए कि पंडित जी मैं उसकी मूर्ति खरीदना चाहता हूँ। तो पंडित जी को पता नहीं क्या उनको मन में यहाँ से आदेश हुआ और उन्होंने ये मूर्ति वहाँ से उठा के और मेरे हाथों में रख दी। बोला अब आपकी सेवा, आप इनकी सेवा खुद करो, आप कर पाओगे? मैंने कहा बिल्कुल तैयार हूँ उनकी सेवा करने के लिए। तो उनकी सेवा पहले साल ऐसे ही रहा, दूसरे साल और तीसरे साल आप दिन पर दिन बाबा उनकी महिमा खुद बढ़ाते चले जाए। बोला मल्हार मारतंड की जय। येल कोटी येल को जय मल्हार।